नमस्कार दोस्तों, मैं ओम गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ ओम एसोसिएट्स के चैनल में। और दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग माइक स्पीकर ब्लूटूथ सिंगिंग की, जो कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक बटन को जोर से कर दीजिए प्रेस, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कर दीजिए शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अपनी ये राय जरूर दीजिएगा कि कैसी वीडियो आपको लगी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आ चुका है माइक स्पीकर ब्लूटूथ सिंगिंग, जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसका मैं पूरा नाम आपको बता देता हूँ क्या है, इसका पूरा नाम है दोस्तों करोके वायरलेस माइक स्पीकर ब्लूटूथ सिंगिंग। दोस्तों मैंने इसको अमेज़ॉन से मंगाया था, प्राइस आप जानते हैं कितना होता है, 500 का है ये मेरे पास। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं माइक, वैसे इसके चलिए फीचर्स देख लेते हैं पहले क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे पहला फीचर्स है सिंग सॉन्ग्स, यानी कि आप इसमें गाने गा सकते हैं। दूसरा है प्रैक्टिस सॉन्ग्स, गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर लिसन टू सॉन्ग्स, गाने को सुन सकते हैं कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन से, इस माइक को कनेक्ट करिए और फिर आप गाने से सुन सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे रिकॉर्ड सॉन्ग्स कर सकते हैं, यानी कि आप गाने को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके। वो कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे माइक की एक फ़ोटो है, और यहाँ पे दोस्तों कलर हैं, कौन कौन से कलर में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं 6 कलर्स हैं, तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से कलर्स हैं। गोल्ड, ब्लैक, सिल्वर, रोज गोल्ड, ब्लू और पिंक। दोस्तों यहाँ पे पिंक पे लगा है टिक, मैंने पिंक ही मंगाया है। और दोस्तों यहाँ पे चाइना का प्रोडक्ट है ये, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों कुछ लिखा है लाइट वेट फैशन पर्सनालिटी डिजाइन एनी टाइम एनी वेयर वॉन्ट टू सिंग। दोस्तों यहाँ पे गाने गाने के लिए है, और दोस्तों आप इससे बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इसको बॉक्स ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बॉक्स खोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्ट कंपनी से आया है। तो दोस्तों चलिए हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से। दोस्तों देखिए यहाँ से ये डायरेक्टली ओपन हो गया है, देख सकते हैं दोस्तों ये। अब दोस्तों यहाँ पे ओपन हो रहा है ये, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये दो आपको फ़ोटो दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे होते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं माइक कैसा है हमारा। दोस्तों माइक बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल पिंक कलर का है, मैंने मंगाया था और पिंक कलर का ही है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माइक है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माइक है। और दोस्तों देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। दोस्तों यहाँ पे मुझे मिली है USB डेटा केबल, जी हाँ दोस्तों ये USB डेटा केबल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास USB डेटा केबल है जिससे मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। काफ़ी लंबी लीड है ये USB डेटा केबल, मीन्स दोस्तों बहुत ही लंबी लीड है ये। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम ये माइक कैसा है, कैसे वर्क करता है, कैसे यूज़ इसको करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम जान लेते हैं क्या क्या इसमें बटन कौन कौन सी है, इसको क्या कहते हैं। दोस्तों ये है ट्रेबल एडजस्टमेंट, इससे हम ट्रेबल मतलब कि ट्रेबल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे वॉल्यूम का वो एक लेवल बना रहता है। ये है बेस एडजस्टमेंट, दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है लेकिन ये असलियत में वॉइस एडजस्टमेंट होता है, यानी कि जो आप इससे बोलेंगे वो उसकी वॉल्यूम है। अगर आप उसको यहाँ पे डाउन कर देंगे तो आपकी वॉइस नहीं होगी, जो आप बोलेंगे वो उसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, और जैसे आप इसको करेंगे वैसे आपकी वॉइस इसमें चलने लगेगी। ये है म्यूज़िक, तो ये है असली वॉल्यूम एडजस्टमेंट, इसको अगर डाउन कर देंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल माइनस में चली जाएगी, अब वॉल्यूम इसमें आएगी नहीं, और जैसे आप इसको अप करेंगे तो ये फुल वॉल्यूम हो जाती है। दोस्तों ये एको, एको का मतलब है अगर इसमें आप कुछ बोलेंगे तो आवाज़ गूंजती है। तो दोस्तों बटनों के बारे में तो समझ में आ गया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ 3 बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोस्तों ऑडियो ट्रैक की बटन है। यहाँ पे दोस्तों प्ले पॉज की ये बटन है, ये वाली इस देखिए इसको आप। और दोस्तों यहाँ पे जो ये इधर उधर जो बटन लगे हैं इसको ऑडियो ट्रैक को बदल सकते हैं, इससे कर सकते हैं और आगे और इससे दोस्तों पीछे कर सकते हैं। दोस्तों ये है 3 बटन्स जो कि सीक्रेट हैं। और दोस्तों यहाँ पे स्पीकर लगे हैं, तो एक इधर लगा होता है एक इधर लगा होता है। और दोस्तों ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन काफ़ी शानदार लग रही है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कल जो बना है ये स्टैंड भी है, इसको आप ऐसे अगर रख देंगे तो ये गिरेगा नहीं, पार्टी के लिए ये बहुत ही शानदार। दोस्तों माइक, चलिए दोस्तों इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये पावर बटन है, दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं जब ये ऑन होता है तभी ब्लू लाइट जलती है और कुछ ट्यून आवाज आती है। तो दोस्तों चलिए मैं इसमें माइक में कुछ बोल के देखता हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही शानदार आवाज़ आ रही है, और दोस्तों एको यहाँ पे चल रहा है, और जैसे ही आप इसको एको को बंद करेंगे तब आप बोलिए तो दोस्तों देखते हैं कैसा लगता है।
हेलो, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही स्लो आवाज़ आती है, लेकिन जैसे आप एको को ऊपर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आवाज़ आती है, पूरे रूम में आवाज़ इसकी गूंजती है। और दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्टमेंट, यहाँ पे म्यूज़िक लिखा है लेकिन ये है वॉल्यूम एडजस्टमेंट की बटन, इसको जैसे ही आप कनेक्ट करके चलाएंगे तो ये म्यूज़िक जो लिखा है ये वॉल्यूम पूरी फुल कर देता है, और जैसे ही आप डाउन करेंगे वॉल्यूम पूरी हट जाती है। दोस्तों देखने में तो काफ़ी शानदार है, इसको मैं यूज़ करूँगा और दोस्तों रिव्यू में भी मैं भेजूँगा कैसा ये माइक लगा है। दोस्तों आप भी इस माइक को मंगाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बढ़िया माइक है, पार्टी के लिए बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो डेटा केबल है इसको आप नीचे पोर्टेबल जो दिए गए हैं यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी शानदार दी गई है माइक की। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दो यहाँ पे USB डेटा केबल के पोर्ट हैं, एक USB डेटा केबल पोर्ट है जिसमें मैं USB लगाऊंगा कनेक्ट करके। दोस्तों देखो मैं लगाता हूँ इसको, दोस्तों यहाँ पे ये फिट हो गई है। दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैं फिट करता हूँ तो कुछ आवाज़ आती है, और जैसे निकालता हूँ तो नहीं आती है, दिखना देखिए दोस्तों कुछ हल्की सी कुछ आवाज़ आती है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। और दोस्तों ये है चार्जर जिससे आप इसको माइक को चार्ज कर सकते हैं, इसकी बैटरी होती है, बैटरी इसकी 100% चार्ज होती है, लेकिन दोस्तों जब आप इसको यूज़ करेंगे तो उसकी बैटरी लो भी हो जाती है, तो इसको चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार माइक है ये, इसको आप परचेज़ करिए अमेज़ोन से, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही शानदार माइक है ये। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन को जोर से कर दीजिए प्रेस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कर दीजिए शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।